Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा अभी शाहरुख खान आ रहे हैं और ये आ गए मैंने तुमसे कहा था किरण की फोटो लगानी है तुमने अर्चना पुरन की फोटो क्यों लगा दी सर इनका पोस्टर जो है सस्ता मिल रहा था एक मिनट यहाँ पर बात सस्ते की नहीं है कौन है ये बंदा जो अब तक इनके पोस्टर बेच रहा है कौन है अरे इन्होंने खुद दिया है यार अर्चना जी आपसे इतना प्यार करते हैं हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ये कैसे आप अपने आप ये कोई तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का नहीं आपको करना है आप शर्मा जी से कहिए ये करेंगे प्रमोट अच्छा क्या कर रहे हैं आप चलो तुम लोग निकलो कैन आई हैव अ सीट आपकी तो ऑलरेडी सीट है या प्लीज व्हाई नॉट प्लीज नमस्कार मधु जी आयशा जी नमस्ते जूही जी नमस्ते मैं जूही जी ना फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू ये जो हुआ है मतलब फोटो गलत लग गई होगी लेकिन मेरे दिल में आप ही बसी हैं मैं प्रूव कर सकता हूँ दिखाइए कैसे आई विल प्रूव इट अभी आयशा की फोटो निकलेगी करण ये तो करण है हुए मेरी किरण की जगह करण लिखा है ये तो करण लिखा हुआ है करण क्यों है नहीं नहीं हुआ क्या मैं लिखवाने किरण ही गया था लेकिन जो लड़का लिख रहा था उसका नाम करण था अब वो मुझे बोला कि किरण लिखने के पैसे लगेंगे करण में फ्री में लिख दूंगा करण लिख दो बाकी जूही जी अंडरस्टैंडिंग है शी अंडरस्टैंड नहीं देखिए जूही जी एक मात्रा की कमी है यहाँ पे लेकिन मेरे प्यार की मात्रा में आपके लिए कोई कमी नहीं है वकील साहब ये क्या है तरीका है आपका ना जानना पहचान फालतू में आप बदतमीजी कर रहे हैं यू जी सुना आपने इन्हें लग रहा है कि हम और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है अब मुझे पहचाना नहीं नहीं आपको टीवी पे देखा है मैंने नहीं नहीं वैसे नहीं अरे इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर नंबर 735,555 कौन है आपके हर फोटो के नीचे जो हार्ट आता है और जो आग लगती है वो आग लगाता कौन है आयशा जी आप कश्मीर में पैदा हुई है ना किसी ने सच कहा है क्या सुंदर लोग सुंदर जगहों पर ही पैदा होते हैं तो आप भी तो शिमला में पैदा हुए आपका मुंह कैसे खराब हो गया तब ऑफ सीजन था थोड़ा थोड़ी सी गड़बड़ हो बहुत ही ज्यादा ऑफ सीजन था काफी ऑफ सीजन था वहां पर हां अरे आयशा जी कैन यू डू मी वन फेवर हां जी बिल्कुल इसमें थोड़ा ऐसा हवा फूंक देंगे आप क्यों क्या है ये क्यों क्यों नहीं, क्या है 1992 में इन्होंने पहला नशा किया था मैं चेक करना चाहता हूँ कि उतरा कि नहीं तो ये पहला नशा वो चेक ये उनका गाना है पहला नशा पहला कुमार यार मुझे पता है यार ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हो रहा है यहाँ पे नहीं आपका गाना लेकिन आपका कमाल का ट्रू गुड सॉन्ग यूही जी आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद है वो बॉम्बे से गई पूना पूना से गई दिल्ली दिल्ली से गई पटना फिर भी ना मिला सजना बड़ा अच्छा गाना है अच्छा हुआ आपने उस दौर में कर लिया
इस दौर में करती प्रॉब्लम हो जाती है. क्यों? क्यों? जगह जगह आरटीपीसीआर. आज के दौर में इट्स रियली ट्रैवलिंग इज ए प्रोसेस. मजा आता है भाई ऐसी बातों में ना. मजा बड़ा आता है. मैं रख देता हूँ. क्या कर रहे हैं यार आप? आज मुझे ये पैर यहाँ नहीं रखना था, मुझे वो पैर यहाँ रखना था. तो मैं ये रख देता हूँ. ये गलत कर दिया आपने. ये वाला रख देता हूँ. अरे नहीं, अब नहीं रखना मुझे. क्या? अब मुझे खाली खुजली करनी है बस. अच्छा वकील साहब, आप थक गए होंगे, आपका मुंह निकाल के उधर रख दूं? पॉसिबल है? हाँ, लेट्स नॉट ट्राई इट. मैं आपसे कह रहा था कि मैं वकील हूँ, केस वेस लड़ता हूँ. तो अगर आपके टाइम पे अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए हो, कुछ बाकी हो है? बहुत सारे. मुझे बताइए, मैं केस लड़ूंगा. बहुत सारे. डबिंग के ऊपर चेक आता था, वो डबिंग के बाद बाउंस हो जाता था. नहीं तो बस बस बस, आपको सही वकील. नहीं नहीं, पर उनको नहीं केस करना. नहीं, हमें नहीं करना अभी. नहीं नहीं, ठीक है, आपको केस नहीं करवाना तो कुछ अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लीजिए मुझसे. ये क्या मतलब, वकालत से सीधा मैनिक्योर पेडिक्योर पे आ गया? देखिए, आदमी सीधा रस्ते पे आ जाए उससे अच्छा है पेडिक्योर मैनिक्योर पे आए. आजकल टाइम बड़ा अजीब चल रहा है भाई. लोग मंत्री की कुर्सी को छोड़ के जज की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं. कुछ भी हो सकता है. आग लग गई. अरे आग लग गई अंदर, इन माय ऑफिस. एक्सक्यूज मी. अरे हमारा केस. हाय 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 हाय. मैं आपकी इतना बहुत बड़ी फैन हूँ. एक मिनट, ये झूठ बोल रही है. कोई फैन वैन नहीं है. ये फैन नहीं हो, झूठी हो तुम. कहाँ लगी है आग अंदर? अंदर चूल्हे पे आग लगी है. अब चाय बनाने के लिए मैं चूल्हे पे ही आग लगाऊंगा ना, किसी दूल्हे के कूल्हे पे तो आग लगाऊंगा नहीं. क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप मुझे गेस्ट से बात करने देते? हाँ तो सच बोलो ना, गेस्ट से बात करने के लिए तुम्हारे अंदर आग लगी है. ओहो, मैं आपसे बात ही नहीं करनी. मेरे से बात नहीं कर रही हो? यार शर्मा जी, एक बात बताओ, ये लड़की आपको कभी फोन करती है ना? इसको आपसे बात नहीं करनी, इसको मुझसे बात नहीं करनी, तो ये शो में क्यों है? फायरर. अब लगी आग, लगी आग. प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो. मैं ट्राई करो. आयशा जी, आपका जो गाना था ना पहला नशा, मुझे बहुत पसंद है. नहीं, पहला नशा इसे अच्छा लगेगा ही. बियर पानी की तरह पीती है ये. Yes, I understand. I'm not joking. कुछ दिन पहले हमें एक नया नया केस मिला. मैंने कहा भाई केस मिला है सेलिब्रेट करने के लिए, एक एक बियर भी लेते हैं. 32. मजा नहीं कर रहा हूँ. 32 बियर पी है इसने. Oh my God. और उसके बाद जो बात कही इसने मुझसे, सौबा सौबा. क्या क्या कहा? भैया. देखिए, लेकिन उस समय जरा बियर पी के ना मुझे एक सुरूर सा आया. और मैंने मधु जी के लिए एक शेर लिख दिया. अच्छा, मैं पेश कर दूं? प्लीज. अर्ज किया है, डरता नहीं मैं. तो हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं नहीं, पेश कर रहा हूं. आराम से बोलो ना आप. डरता नहीं मैं मार खाने से. डरता नहीं मैं मार खाने से. अच्छा. कभी तो मिलो अकेले,
किसी केस के बहाने से। लानत है, लानत, लानत, वाह, लानत है। हिम्मत तो देखो, इनको बुला रहे बहाने से, एक चिड़िया भी आती नहीं वकील साहब आपके बुलाने से। वाह वाह, नहीं 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 नहीं, बेचारे वकील साहब, शायरी बेइज्जती हुई, हो गई आपकी शायरी। धोखेबाज, उनके लिए शायरी लेकर आया। कल ऑफिस में मुझे बता रहे कि आपसे और ग्लैमरस कोई नहीं है। हाँ तो ऑफिस में हम दो लोग बैठे थे, तो इससे ग्लैमरस कोई नहीं था। देखो यार, मूंगफली की वैल्यू तब तक होगी जब तक उसके सामने काजू ना आ जाए। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, आपको पता है? इसने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है पुलर काटे, मुझे वो देखनी है। मैंने कहा भाई चलो देख लेंगे। कह दिया मुझे अजय देवगन मेरा फेवरेट एक्टर है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अजय देवगन का पुलर काटे वाला वो सीन बाइक वाला मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैंने ठान ली, मैंने दो बाइक वाले बुलाए, एक बाइक पे एक पैर रखा, दूसरी बाइक पे दूसरा पैर रखा, और दोनों बाइक वाले ने इनके नीचे चला गया। स्टंट के अंदर कुछ तो ऐसे इंजरीज होंगी, कुर्बानियां होंगी। फिर मैंने 15-20 बाइक वाले बुलवाए, अच्छा। कुछ मेरे नीचे चले गए, बाकी फाइनली दो टिके। कोई एक बाइक पे मैंने रखा एक पैर, दूसरी बाइक पर रखा दूसरा पैर। अब इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है, यहाँ निकल गया। फिर इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है, वहां निकल गया। अब दोनों की सूजी के चक्कर में मैं पूरा सूज गया। तो खुद को हीरो समझते हैं ना, ऐसे होते हैं। हीरो समझते हैं मतलब मैं हीरो हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आपको, शाहरुख खान ने आप थोड़ी सी हवा भर दीजिए, सेम टू सेम। एक मिनट, आप कहाँ से शाहरुख खान के जैसे लगते हैं? अगर शाहरुख बनना है तो थोड़ा सा डांस रोमांस आना चाहिए ना। वाह, इसने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया है भाई। शाहरुख खान आओ मैदान में, आओ मैदान में आओ। आप देखिए शाहरुख खान, देखिए आप देखिए भाई, शाहरुख खान का कोई भी गाना बजा दीजिए, कोई भी। और ये लड़की जो है, ओ तुम नीचे कैसे आ गई? आ, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओह हो, यू सॉ दैट? यू सॉ द एजिलिटी? वी सॉ। ओह हो, थैंक यू वेरी मच। तुम गुस्सा मत करो, आओ हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। हेलो, क्या किया आपने? मैं तुम्हें शाहरुख खान के और स्टेप सिखाता हूँ, तुम आओ। हम लोग जरा अभी जरा मीटिंग है हमारी, हम आते हैं थोड़ी देर में, ओके? थैंक यू। Love you, love you, love you, love you. Oh my goodness!
ऊपर वाला कहेंगे बड़ा Unbelievable. ये तो ऐसे लग रहा है कि वाकई जगू लगता है. मजा है. हाँ. एपिसोड का क्या मस्त शुरुआत वाला बेड़ो कपिल जो शुरुआत में डांस किया ना मजा ही नहीं आया. आगे से नहीं करने का बेड़ो ऐसा तभी मैं चल के एंट्री ले लाऊं. अच्छा. लव यू जोई जी. मेरा बच्चा है तो. Exactly the same. Super. मधु जी मेरा बच्चा है तो. आयशा जी मेरा झुलका है तो. ये उनको बच्चा क्यों नहीं बोला? क्योंकि सरकार ने बोला है बच्चे दो ही अच्छे. यार बहुत मजा आया बड़ू. मैं अभी इधर था बड़ू. मधु जी मैं इधर. Right, real ना? अरे. Love you, ऊपर वाला बादशाह. ऊपर वाला love you. मजा आया. ये देखो ये. मैं बड़ो अभी इधर गया था दशहरे में मेला था उधर बहुत मजा आया मेरे को उधर. क्या करने एज ए चीफ गेस्ट? नहीं एज अनाउंसर गया था मैं. अच्छा. वो बच्चे लोग जो खो जाते ना उनको लाइन से मैं खड़ा करके सबको पूछता किसका बच्चा है तो किसका बच्चा है तो किसका बच्चा है तो ऐसा करके कर बुढ़े लोग. लव यू लव यू लव यू. मैं बड़ो आप लोग को बताना चाहता हूँ ऐसा पागल जग्गू देखा कभी आपने लाइफ में? और मैं जिंदगी में बहुत काम किया बड़ो. बहुत ऊपर वाला बादशाह मेरा लव यू ऊपर वाला. खैर बहुत काम किया. कुछ कुछ फिल्में हम लोग कर नहीं पाए जूही जी के साथ में. हम लोग कुछ फिल्में मेरे को ऑफर हुई थी. अच्छा. जैसे कि डर. तो की क्यों मैंने मना कर दिया. क्यों? मैंने बोला मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ. फिर मेरे को डुप्लीकेट ऑफर हुआ. तो वो क्यों नहीं की? मैंने बोला अगर मैं डुप्लीकेट कर लूंगा तो फिर कृष्णा क्या करेगा? एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए. क्या मत कर रहा है बड़ो. कृष्णा वेल डन. बहुत अच्छा कर रहा है तो बड़ो. बहुत अच्छा. थैंक यू दादा. बहुत अच्छा बड़ो. वेरी गुड. खैर जोई जी. लव यू जोई जी. दादा करने क्या आया आप इधर? मैं एक्चुअली गिफ्ट लेकर आया जूही जी के लिए. एक मिनट. गिफ्ट लेकर आया? हाँ ये जूही जी. हाँ मैंने सोचा वो गिफ्ट है. थैंक गॉड ये गिफ्ट है. ये तकिया और चेन क्यों दे रहे हैं? कल मैंने इनका गाना देखा. कौन सा? मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो. लोटा दो मुझे लोटा दो. मधु जी ये आपके लिए. ये मधु जी आपके लिए. ये रोड नंबर 7 गुलमार्ग कांजूरमार्ग कश्मीर. ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कल इनका भी गाना देखा मैं. क्या ये हसी वादिया ये खुला आसमान. आ गए हम कहाँ? हीरो ने बताया नहीं किधर लेकर आए. मधु जी लव यू लव यू लव यू. मधु लव यू मधु. मधु जी आप फूल और कांटे में थी ना? हाँ. जब आप फूल और कांटे में थी मैं झाड़ियों में था. आप क्या कर रहे थे झाड़ियों में? मैं टाइगर को घुमा रहा था. टाइगर लव यू मेरे बच्चे. टाइगर के लिए जोरदार. टाइगर लव यू. टाइगर मेरा बच्चा है टाइगर. लेकिन इस चीज में मैं उसका बच्चा हूँ. क्या गुलाटी मारता है. बहुत शरारती. बहुत शरारती बड़ो टाइगर. बचपन से हम लोग उधर खेल रहे थे बड़ो. माय हम लोग ऐसा टाइगर के साथ क्रिकेट खेलते थे.
समझे आप? तो ऐसा अरे दादा इधर बैठे ना आप. हाँ पर बैठ. तो मैं और टाइगर ऐसा क्रिकेट खेलते बहुत शरारती बचपन से भिड़ो हूँ. तो ऐसा क्रिकेट खेलते खेलते बॉल है ना ऐसा बगल वाला कॉलोनी में चला गया. फिर तो वो लोग टेंशन में आ गए. क्यों? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन लगाया उन्होंने. कहते हमारा कॉलोनी में टाइगर घुस गया. खैर आयशा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. आयशा जी मैं कल आपका गाना देखा मुझे बहुत अच्छा लगा. कौन सा? झुलका गिरा रे बरेली के बाजार में. झुलका नहीं झुमका था. अभी झुलका को बुलाया सब कुछ झुलका ही रहेगा इधर. यहाँ तक कि मैं खाने में भी अभी पनीर के साथ फुलका नहीं झुलका ही खाकर आया हूँ. खैर जिंदगी में बड़े लोग हर चीज कॉमेडी नहीं होता है. मेरे को अपना स्ट्रगल का दिन याद आ गया बड़ू. अच्छा। जोई जी हाँ। मधु मैं बता नहीं सकता हूँ. मैं 3 बत्ती का टाइम था. मैं स्ट्रगल कर रहा था. इतना मेहनत किया मैं बड़ू ऊपर वाले ने मेरे को दिला है बड़ू. अच्छा मैं ऐसा भूख पेट के अंदर इतना पसीना आ रहा था. मैं सड़क के ऊपर खड़ा था. अच्छा मेरे को किसी ने भी नहीं पूछा लेकिन ये लेडी अर्चनु अर्चु आई लव हर ये मेरे पास आई. इन्होंने गाड़ी रोकी और बोली किधर जाएंगे साहब. फिर मीटर डाउन किया. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.